चाचा चौधरी और चोरों को मोर। राजधानी में एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर एक बैंक की ब्रांच है। बैंक के अंदर मेरे सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज बना है? आप एक दिन पैसा जमा करवाते हैं और अगले दिन निकलवा लेते हैं, ब्याज क्या खाक बनेगा? तभी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। वो बदमाश कैशियर के पास पहुंचता है। जल्दी से इस बैग को नोटों से भर दो। तभी उन बदमाशों का ध्यान चाचा चौधरी पर जाता है। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। ये चाचा चौधरी है। एक बार मैं लोटपोट के दफ्तर में चोरी करने गया। सेफ का ताला तोड़कर नोट गिन रहा था कि मेरी नजर पास जमीन पर पड़ी लोटपोट पर पड़ गई। मैं उसको पढ़ने लगा। एक को खत्म किया तो दूसरी पढ़ने की इच्छा हुई। देखा तो वहाँ नई पुरानी प्रतियों का ढेर लगा था। मैं पढ़ने में मशगूल हो गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जानते हो वो कौन था? कौन? पुलिस। और ये दूसरा छुटकू कौन है? उसको मामूली ना समझना। वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। तभी तीसरा बदमाश वहां आता है। बैग नोटों से भर गया है, चलें। तुम दोनों नीचे चलो, मैं चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर से निपट कर आता हूँ। वो दोनों बदमाश रुपयों का बैग लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। तीसरा बदमाश और चाचा चौधरी, चलो उस खिड़की पर चढ़ जाओ। ठीक, जब मैं कहूं कूदो तो फौरन छलांग लगा देना। कूदो। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते दोनों बदमाश, जल्दी भागो। तभी चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उन दोनों बदमाशों के सर पर गिर पड़ते हैं। आए। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उनके हथियार हथिया लेते हैं। तुम इन दोनों को संभालो, तीसरा भी आ रहा है। जैसे ही तीसरा बदमाश सामने आता है, चाचा चौधरी उसको अड़ंगी लगा देते हैं। जरा बच के पहलवान। ओहो। टिंगू मास्टर, इनको कोतवाली ले जाओ। मैं जरा बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस पूछा हूँ।